2 मई 1945 को पेरिस के स्टार्स एंड स्ट्राइप्स अखबार में ये खबर छपती है कि हिटलर मर गया है। इस न्यूज़पेपर में लिखा गया था कि एक दिन पहले यानी 1 मई को जर्मन रेडियो में अनाउंसमेंट हुई थी कि एडॉल्फ हिटलर मारा गया है और जर्मन नेवी के पहले कमांडर इन चीफ रहे एडमिरल डोनिट्ज अब हिटलर की पोजीशन को संभालेंगे और जर्मनी को लीड करेंगे। इस खबर के 5 दिन के बाद यानी 7 मई 1945 को जर्मनी इस कागज पर साइन करते हैं और सरेंडर कर देते हैं। बर्लिन में सोवियत की टीम हिटलर की न्यूज को कंफर्म करने के लिए उसकी बॉडी को ढूंढना स्टार्ट करती है और सोवियत की रेड आर्मी की नजर एक बॉडी पर पड़ती है। ये बॉडी हिटलर के सबसे खास आदमी जोसेफ गॉबल्स की थी। गॉबल्स की बॉडी के साथ उनकी 5 मैग्ना और उनके 6 बच्चों की भी बॉडीज मिलती है। उनको इसलिए पहचान लिया जाता है क्योंकि उनकी बॉडी पूरी तरीके से नहीं जली थी। हजारों डेड बॉडीज ढूंढने के बाद सोवियत को एक डेड बॉडी और मिलती है जो हूबहू हिटलर जैसी दिख रही थी, पर कुछ ही टाइम के बाद पता चलता है कि वो लाश हिटलर की नहीं बल्कि उनकी एक बॉडी डबल की थी। उस समय बहुत से लीडर्स बॉडी डबल्स को यूज करते थे। ऐसा कहा जाता है कि विंस्टन चर्चिल जो इंग्लैंड के उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे उनका भी एक बॉडी डबल था और यहाँ तक कि सोवियत यूनियन के हेड जोसेफ स्टालिन भी काफी बॉडी डबल्स यूज करते थे। इवन FBI को ऐसी न्यूज भी मिली थी कि सोवियत के जर्मनी पहुंचने से पहले ही हिटलर ने खुद को अपने बॉडी डबल के साथ रिप्लेस कर दिया था। पर हिटलर की बॉडी ना मिलने पर इस वक्त बहुत से लोगों को डाउट होने लगा था और इसका रीजन ये था कि हिटलर के मरने की खबर तो जर्मनी खुद दे रहा था, तो इस न्यूज पर तभी विश्वास किया जाए जब हिटलर की बॉडी मिलेगी। लोगों का शक और भी बढ़ता गया जब हिटलर की डेथ की न्यूज के 9 हफ्ते के बाद यानी जुलाई 1945 में ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस होती है, पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 3 मोस्ट पावरफुल लीडर्स विंस्टन चर्चिल, जोसेफ स्टालिन और अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन की मीटिंग होती है। मीटिंग में स्टालिन से पूछा जाता है कि हिटलर कहां पर है। इस पर स्टालिन जवाब देते हैं, हिटलर भाग गया है। बहुत से अखबार में आर्टिकल छपते हैं, कोई कहता है कि हिटलर नॉर्थ अमेरिका भाग गया है तो कोई कहता है वो साउथ पोल में है। पूरी दुनिया में बहुत से लोग हिटलर का अलग अलग जगह पर होने का दावा करते हैं लेकिन ट्रैक करने पर सारी खबरें झूठी निकलती हैं। ऑलमोस्ट 8 साल तक यही चलता रहता है और फिर 5 मार्च 1953 को जोसेफ स्टालिन की डेथ हो जाती है और सबके सामने सच्चाई आने लगती है। दो लोग अपनी बुक्स में हिटलर की डेथ के बारे में खुलासा करते हैं। इनमें पहली थी एलिना और दूसरे थे ह्यू रोपर। हिटलर सच में मरा था या नहीं ये पता करने के लिए सोवियत यूनियन एक स्पेशल टीम तैयार करती है। इसी टीम में 3 लोग होते हैं, मेजर गॉर्बशन, मेजर बिस्ट्रोव और ट्रांसलेटर एलिना। बर्लिन पहुंच के इन्हें पता चलता है कि टीम की सोवियत रेड आर्मी को ग्राउंड में एक बूट की टिप निकलती हुई दिखी थी। वो क्यूरियस हो जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार वहां पर किसकी लाश है। जब वहां से मिट्टी हटाई जाती है तो वहां पर 2 लाशें मिलती हैं। ये लाशें बुरी तरह से जल चुकी थी इसलिए उन लाशों को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। टीम डिसाइड करती है कि इन्हें ऑटोप्सी के लिए भेजना चाहिए। फॉरेंसिक टीम बोलती है कि बॉडी इतनी जल चुकी है कि अगर एग्जैक्ट कंफर्मेशन चाहिए तो वो सिर्फ बॉडी में जो दांत बचे हैं उसी से पता किया जा सकता है कि ये बॉडी हिटलर की है या नहीं। टीम मेंबर्स और ट्रांसलेटर एलिना को ऑर्डर्स दिए जाते हैं हिटलर के डेंटिस्ट को ढूंढने के लिए। जब एलिना उनके डेंटिस्ट ह्यूगो ब्लास्चेक के क्लिनिक पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि वो बर्लिन से पहले ही भाग चुके हैं। क्लिनिक से एलिना को एक और लीड मिलती है, डेंटिस्ट के असिस्टेंट केथी की। उन्हें पता चलता है कि केथी ही हिटलर के डेंटल केस को हैंडल करती थी। एलिना केथी को ढूंढने में सफल हो जाती है। केथी को बिना कुछ दिखाए हिटलर के दांतों की ड्रॉइंग बनाने के लिए कहा जाता है। हिटलर की डेंटल हेल्थ बहुत खराब थी, उनके बस 15 दांत थे, उनमें से भी कई दांत गोल्ड से प्लेटेड थे, इसलिए केथी को एग्जैक्टली पता था कि वो कैसे दिखते हैं। टीम केथी से किसी एविडेंस के बारे में भी पूछती है। इस पर केथी हिटलर के डेंटल रिकॉर्ड्स के बारे में बताती है जो उसी बंकर में थे जहां हिटलर रह रहा था। इन डेंटल रिकॉर्ड्स में हिटलर के मरने से 1 साल पहले के उसके एक्सरेज थे जो उस बॉडी के दांत से एग्जैक्टली मैच कर रहे थे। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि दूसरी बॉडी हिटलर की एक दिन रही वाइफ ईवा ब्रॉन की थी। अब तो साफ था कि हिटलर मर चुका है। हिटलर के डेंटिस्ट की असिस्टेंट केथी को सोवियत आर्मी कैप्चर कर लेती है। उनका गुना बस इतना था कि उन्होंने हिटलर की मौत का सबूत दे दिया था। उन पर इल्जाम ये लगाया जाता है कि जब हिटलर तुम्हारे पास ट्रीटमेंट के लिए आता था तो तुम बॉटल तोड़कर उसका मर्डर भी तो कर सकती थी और दुनिया को इस वॉर से बचा सकती थी। केथी के जब सीनियर डॉक्टर ह्यूगो भाग रहे थे तो उन्होंने केथी को भी भागने की सलाह दी थी, पर केथी ने साफ मना कर दिया था क्योंकि उनके फियांसे जर्मन सोल्जर थे और वो उनका वेट कर रही थी। अगर केथी बर्लिन से चली जाती तो वो अपने फियांसे से कभी भी मिल नहीं पाती। सोवियत रशिया ने केथी को 10 साल तक अपनी कैद में रखा और जब वो वहां से बाहर आई तब तक सब बदल चुका था। वो 45 साल की हो चुकी थी और उनके फियांसे अब किसी और से शादी कर चुके थे।
मरने से एक साल पहले केथी से सॉरी मांगी गई, पर अब इस सॉरी की कोई वैल्यू नहीं है। केथी को इस वॉर में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दूसरी रिपोर्ट थी ह्यू रोपर की। इस रिपोर्ट में ह्यू ने जर्मन विटनेसेस से हिटलर की डेथ के बारे में पूछा था। उन्हें पता चला था कि 30th अप्रैल 1945 को 1 बजे फील्ड मार्शल केटल ने हिटलर को बताया था कि सोवियत की रेड आर्मी जल्दी बर्लिन पर कब्जा कर लेगी, क्योंकि जर्मनी की आर्मी को उन्होंने घेर लिया था। हिटलर के कमांडेंट ने उन्हें कहा था कि वो 200 यूथ वॉलंटियर्स को लेकर अभी बर्लिन छोड़कर चले जाए, लेकिन हिटलर ने कहा था कि मैं भागने से ज्यादा सुसाइड करना बेटर समझूंगा। हिटलर बंकर में रह रहे अपने हर स्टाफ मेंबर के पास गया, उनके साथ हैंडशेक किया और उन्हें थैंक यू बोला। हिटलर को साइनाइड के कैप्सूल्स दिए जाते हैं, जो वो पहले अपने फेवरेट डॉग ब्लॉन्डी को देते हैं, जो उसे खाते ही मर जाती है। हिटलर अपने सार्जेंट को ऑर्डर देते हैं कि उनकी मौत के बाद ब्लॉन्डी के रिसेंटली हुए 5 पपीज को भी गोली मार दी जाए और उनकी और ईवा ब्रॉन की बॉडीज को भी पेट्रोल से जला दिया जाए, क्योंकि हिटलर नहीं चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनके फेवरेट डॉग को कोई सताए या उनकी खुद की बॉडीज के साथ कोई कुछ करे। इसके बाद दोनों हिटलर और ईवा ब्रॉन हिटलर के स्टडी रूम में जाते हैं। ईवा ब्रॉन साइनाइड कैप्सूल खाती है और हिटलर खुद को अपनी गन वाल्डर पीपी के 7.65 से शूट कर देते हैं। इसके बाद हिटलर का जर्नल विलहेम बर्गडॉर्फ बाकी लोगों के साथ हिटलर के रूम में आया और उसने ऑर्डर दिए कि इन दोनों की बॉडीज को कारपेट में रोल करके ऊपर गार्डन में जला दिया जाए। जिस कारपेट में हिटलर की बॉडी को रोल किया गया था वो छोटा सा था, इसलिए हिटलर का पैर और मुंह सबको दिखाई दे रहे थे। इसलिए गार्डन में ले जाते हुए बहुत से लोगों ने हिटलर को विटनेस किया। इसके बाद इन दोनों की बॉडीज को पेट्रोल डाल के जला दिया गया और उन्हें वहीं पर दफना दिया गया। हिटलर और ईवा ब्रॉन की बॉडी सोवियत यूनियन को मिलने के बाद जितने टाइम तक उनके पास रही वो उसे बार बार दफनाते और बाहर निकालते रहे। उन्होंने जून 1945 में पहली बार उन लाशों को दफनाया था एक जंगल में, जो कि रेफल सिटी के पास था। फिर दूसरी बार मार्च 1946 में बरी किया गया एक कार पार्किंग के नीचे, जो कि सोवियत ऑक्यूपाइड घर के पास था। और फिर धीरे धीरे जहां भी सोवियत आर्मी अपना बेस बदलती, वहीं किसी सीक्रेट जगह पर बॉडीज को बरी कर दिया जाता। अब साल आ चुका था 1970 और अब सोवियत वही प्रोसेस रिपीट करके थक चुकी थी। अब सवाल ये था कि हिटलर और ईवा ब्रॉन के रिमेन्स का क्या करें। सोवियत को डर था कि कहीं लोग हिटलर की कब्र को नियो नाजी श्राइन बना के पूजने ना लग जाए, और इसी डर से उस समय के केजीबी के चीफ रहे यूरी एंड्रोपोव फैसला लेते हैं हिटलर और ईवा ब्रॉन की बॉडी से छुटकारा पाने के लिए। यूरी एंड्रोपोव ऑर्डर देते हैं कि इनकी बॉडीज को दोबारा से जला दिया जाए और फिर एशेस को रिवर में बहा दिया जाए। पर अब दो सवाल आते हैं। पहला, स्टालिन ने पूरी दुनिया से झूठ क्यों बोला? और दूसरा सवाल ये है कि इलीना की बुक पब्लिश होने के बाद ही क्या दुनिया को हिटलर की बॉडी के बारे में पता चला? तो पहले सवाल का आंसर है कि स्टालिन पूरी दुनिया से झूठ इसीलिए बोल रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि एक सीक्रेट रखना हमेशा ही हेल्पफुल होता है। स्टालिन के लिए जरूरी था कि वो अपने दुश्मन देशों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना दे। इस सीक्रेट का फायदा वो फ्यूचर में लेना चाहते थे, इसीलिए वो अपने मन से ही हिटलर के भाग जाने की बात को बार बार दोहरा रहे थे। स्टालिन इस हद तक इस बात को छिपाने के लिए तैयार थे कि वो अपने सभी ऑफिशियल्स को वार्न करते थे कि अगर कोई भी हिटलर के मौत के सच को पब्लिक करेगा तो उसे 15 साल की जेल होगी। दूसरे सवाल का आंसर है कि सोवियत यूनियन ने इलीना की बुक पब्लिश करने से पहले ही हिटलर की डेथ के बारे में वर्ल्ड को बता दिया था। स्टालिन की मौत के बाद उन्होंने रिवील कर दिया था कि हिटलर ने सुसाइड किया है, पर सुसाइड की कहानी में सोवियत्स ने पूरी दुनिया को ये बताया कि हिटलर की मौत साइनाइड खाने की वजह से हुई है। सोवियत्स ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी बिलीव करे कि हिटलर एक हीरो की मौत मरा है। वो दिखाना चाहते थे कि हिटलर कायर है। सोवियत्स के मुताबिक खुद को गन से शूट करना एक सिंबल है करेज का, पर साइनाइड कंज्यूम करके मरना एक कायरता की निशानी है। सोवियत यूनियन के सारे ऑफिशियल्स को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि इसके अलावा दुनिया को हम कुछ और नहीं बताएंगे। अगर हम हिटलर की लाइफ के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में उनके मुताबिक क्या क्या हुआ, तो हम उनकी बुक पढ़ सकते हैं जिसका नाम है मैन कांफ यानी माय स्ट्रगल्स। इसकी डिटेल बुक समरी हिंदी में गीगल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि इस बुक समरी को जरूर सुनिए। इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। जय हिंद।